सॉस के अंदर उसका पीस है, मैं चेक करता हूँ क्या उस पीस का डॉट कलर माइकल कलर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा आप बता सकते हैं? वो प्राइवेट है। मतलब ये सारा प्राइवेट ही होना चाहिए था और हमें कोई फंक्शन बनाना चाहिए गेटर या फंक्शन बनाना चाहिए जो कह रही है ये वैलिडिटी सिलेक्शन है वहाँ पर ही हो सकता है। अच्छा खैर यहाँ पर आगे यहाँ पे हम डॉट जी कलर से देखते हैं इफ दैट कलर मैचेस विद व्हाट प्लेयर इफ दैट मैचेस रिटर्न ठीक है जी इज वैलिड पीस सिलेक्शन हो गया और इसी तरह से इज वैलिड पीस डेस्टिनेशन ठीक है जी इसको हम पब्लिक भी कर देते हैं पब्लिक करें प्राइवेट करें दरअसल मैं वो तब नहीं करता जब एक यहाँ पे डबल इक्वल टू होना चाहिए और यहाँ पर नॉट तो इज वैलिड पीस सिलेक्शन और इज वैलिड डेस्टिनेशन इज वैलिड पीस डेस्टिनेशन ठीक है। और अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर हमारी जहाँ मूवमेंट हो रही है सोर्स है हाँ ये सिलेक्शन की बात कर इज वैलिड पीस डेस्टिनेशन वेरी डेस्टिनेशन डॉट एपी डॉट color must be not be be equal to the player color ठीक है। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर इसको कहाँ पर कॉल करेंगे सवाल फिर जब भी मूव करने लगे पहले तो हमें यहाँ select source पर जब selection हो गई है तो हमें check करना चाहिए कि क्या वो valid selection थी तब तो वो select source को false करे वरना वो क्या करे बना वो उसी को दोबारा मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं हाँ मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं मैसेज भी इनवैलिड इनवैलिड सिलेक्शन तो हम यहाँ पे काम करते हैं इफ जी बताएं इफ हाँ जी इज वैलिड सिलेक्शन जी इज वैलिड सिलेक्शन तो फिर तो वो ये करेगा एल्स में वो क्या करे मैसेज बॉक्स है ना मैसेज बॉक्स डॉट शो शो अगर वैलिड डेस्टिनेशन है तो ठीक है एल्स में वो क्या देगा जी बताएं और ये लो चलो नीचे वाला
सर ये खुद देख ये क्या हमने क्या कह रहा है अनहैंडल्ड एक्सपेंशन कैरन भी बड़े लंबे होते हैं मेरा ख्याल पॉइंट एक्सेप्शन
लीगैलिटीज। और लीगैलिटी में सबसे पहला काम जो आपने बेटा करना है ना वो ये छह फंक्शन लिखना है, ठीक है, ये छह फंक्शन लिखने हैं। और उसके बाद एक्चुअली आपने हर एक का इस लीगल का फंक्शन लिखना है। इस लीगल का मतलब बेटा क्या, ये मैंने जो भी सोर्स डेस्टिनेशन सिलेक्ट किए वो मेरे प्रॉपरली फंक्शन रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ऑफ कोर्स आप हैं। अगर आपके छह फंक्शन लिखे तो तकरीबन एक लाइन में फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ बिशप का जो फंक्शन होता है ना वो बता क्या होता है, वो होता है क्या डायगोनल होना चाहिए और डायगोनल पास करना चाहिए। तो ये इन दोनों फंक्शन डायगोनल पास से दो करेंगे एंड हां राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दो करेंगे लेकिन मूवमेंट यहाँ से यहाँ भी हो सकती है। अगर आप स्मार्टली नहीं करेंगे तो चार लूप लगेंगे, और अगर आप स्मार्टली करें तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, तो पास क्लैरिटी चेक करनी है। तो आप दोनों के लिए देखने के ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, उसमें आप यहाँ से अगर यहाँ पे रीजन डिफाइन करें उसमें आप चेक करें, ठीक है, दो लोग भी लगेंगे ना, सॉरी दो लोग सुन लो या पास कर, ठीक है। अच्छा दो भी सुन ले चार भी होते हैं, जो टेक्निकल गया है और वो मंडे पे। और उसमें जो ये चीजें शामिल है वो ये कि एक तो लीगल बेस पे मूवमेंट हो रही होगी, दूसरा ये कि आखिरी काम जो अगला है ना वो है हाईलाइट। हाईलाइट का मतलब है मैं जिस पीस को सिलेक्ट करूँ उस पीस की जितनी भी लीगल पोजीशंस बनती हैं वो हाईलाइट हो। हाईलाइट करने का सच्ची मतलब क्या है, मैं उस पोजीशन पे जाकर उनका कलर जो है वो क्या करता है, जो उसकी लीगल पोजीशन अगर तो वो लीगल है उसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं, अगर मैं दोबारा से उसका स्थान सेलेक्ट करूं तो वो दोबारा से हाईलाइट कर लाइट जो है वो करता हूं, ठीक है। ये मंडे को ड्यूमर मंडे को सेंड करके मंडे को हमने यूनिटी पे काम शुरू करना है, ये काम हाईलाइट तक हो जाना है। सर ये दे दे साइड और आगे हम कर देंगे आप सर।